बेरोजगारी ज्यादा हो गई है, वो कहते हैं अयोध्या देख लो। जब हम ये बोलते हैं कि हम अंडर इंडेक्स में भूखमरी में हम नेपाल से बांग्लादेश से नीचे चले गए, जो 1987 में आपके प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों इस वक्त डीएवी ग्राउंड में हूं, जहां पर प्रियंका गांधी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचने वाली है और एक जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगी और हरीश रावत के लड़के वीरेंद्र रावत के पक्ष में वोट करने की अपील भी यहां पर करेंगी। यो हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर 2024 में वोट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार इस बार क्या कांग्रेस यहाँ से जीत जाएगी या फिर कोई और यहाँ से जीत कर एमपी बनेगा। तो आप देख सकते हैं पंडाल में लोग बैठे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे युवा मेरे पीछे खड़े हैं, आप दिखा दीजिए अमन जी, ये देखिए युवा भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे कि इस बार क्या कांग्रेस यहाँ से जीत पाएगी। तो युवा हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे भैया? बड़ा अच्छा लग रहा है जी, आ रही तो अच्छा, तो जीत के जाएंगे क्या वीरेंद्र रावत यहाँ से? जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, वीरेंद्र रावत यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत के जीतेंगे अब की बार? जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया भाई? अच्छे ही करा आज तक के जो भी कुछ है, अच्छे ही करा। अच्छे ही करा, हाँ जी। है नहीं तुम्हारी? हाँ जी, वोट तो करवा लोगे? वोट तो करवा लोगे। तुम हंसी आए? हम तो रैली में आए ना। हाँ अच्छा भाई, तुम क्या कहोगे? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बहुत अच्छा संदेश है जनता के लिए। वीरेंद्र रावत प्रियंका यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे? पूरे पूरे बिल्कुल, इस बार साइलेंट वोट पड़ रहा है और वीरेंद्र रावत जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। उमेश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस की वोट मेरे पे शिफ्ट हो रही है। अरे उमेश कुमार जी को कहन दो, वो तो वहीं तक रह जाएगी सीमित। लोग बहुत समझदार हो गए हैं और अब जो है ये देख रहे हैं कि सेंटर में जो सरकार बैठी हुई है, जो तानाशाही सरकार है, उसको हटाना चाह रहे हैं लोग। हाँ, ये जन भावना है कि अब जो है इनको, जो इन्होंने महंगाई और भ्रष्टाचार जो किया है उसको हटाने के लिए जनता जो है कांग्रेस को लाना चाह रही है। इस बार वीरेंद्र रावत यहाँ से जीत कर जाएंगे निश्चित रूप से। तो दोस्तों यहाँ पर जो डीएवी ग्राउंड है उसमें ये आए हैं प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए, क्या कुछ कहेंगे राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी? यहाँ पर पहुंच रही है, कैसा रहने वाला है 2024 का चुनाव? यहाँ से जीत के जाएगी इसमें प्रियंका गांधी? मैं नहीं, हमारी सीट से आज तक के जो भी जीत सब जीत गए, फुरकान अहमद जीते हमारे पास से सबसे, मैं नहीं, और भी 5 विधायक यहाँ पर, समझ नहीं, 5-6 देख लो आपको, आगे आगे 3-4 भी देख पिछले, नहीं अब देख लो आप। वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हरीश रावत चुनाव लड़ते माहौल कुछ और हो सकता था या वही माहौल? नहीं, कांग्रेस को दे रहे वोट, चेहरा कुछ नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को। हाँ, वो कहते हैं उमेश कुमार कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस का जो वोट है वो मेरी ओर जा रहा है क्योंकि वो काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो खुलने के बाद आपको पता चल जाएगा। नहीं नहीं, क्योंकि सब आदमी कहते हैं कि भाई मैं जीत रहा, मगर हम जो ना कांग्रेस को देने वाला वोट है, तुमने सब कांग्रेस को देगा वोट। नहीं नहीं, हाँ आप क्या कहेंगे, आप युवा हैं, वोट आपको भी करना है, कैसे देख रहे हैं चुनाव को, क्या इस बार कांग्रेस जीत जाएगी? 100% कांग्रेस जीत के जाएगी इस बार, और इस बार हमारे यहाँ क्या नाम है पार्टी का चुनाव है, ये कोई कैंडिडेट का चुनाव नहीं है, कांग्रेस एक तरफा जीत के जा रही है, और रही जो दूसरे बीजेपी से कैंडिडेट है उन्हें तो कोई मुख्यमंत्री भी जब उस टाइम पे आते थे हरिद्वार में उन्होंने आगे भी नहीं देखा, और हमारे यहाँ जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे 49 फुट दिए, पूरे खादर क्षेत्र में पानी की इतनी समस्या थी, कोई भी क्या नाम है आप जाके देख सकता है, खादर क्षेत्र में चलने तो क्या पैदल भी चल सकते, उस टाइम पे पैदल भी नहीं चलाया जाता, इसलिए कांग्रेस को वोट दे रहे हैं सभी, कांग्रेस ने काम किया है और कांग्रेस को जिताएंगे। उमेश कुमार कह रहे हैं खद्दर के लिए मैंने बहुत काम किए हैं, खानपुर से विधायक हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम वोटर है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो गया है, और वो चाहते भी थे कि जो उनका टिकट हो वो कांग्रेस से ही हो जाए। अब देखो जो अगर कांग्रेस से टिकट होता फिर देखी जाती, अभी उमेश कुमार को कोई जानता लग नहीं, वो खामखाई में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, बस वो हेलीकॉप्टर ही उड़ जाएगा,
अभी जब जीतेगी कांग्रेस जीतेगी, इस बार कांग्रेस को ही सब चाहने वाले, चाहे मैं ही मुस्लिम हो चाहे हिंदू, और तीसरा आदमी कोई है नहीं। बीजेपी टक्कर में है लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट बेकार है, इसलिए हम हरीश रावत जी के लड़के को जिताएंगे और इस बार कांग्रेस को विजय बनाएंगे। हरे पूरे उत्तराखंड से 5 की 5 सीट जिता के भेजेंगे, उत्तराखंड को जिताएंगे और क्या नाम है, उत्तराखंड से कांग्रेस की सरकार बन के जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन भाजपा कह रही है कि 400 पार अब की बार मोदी सरकार हो जाएगी, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या जो राष्ट्र है उसमें कोई परिवर्तन? यूपी में भी घट रही है और उत्तराखंड भी घट रही है, तो फिर 400 पार कहां से हो जाएगी? 200 भी नहीं रहने वाली, 400 पार तो रही बहुत दूर की बात, 200 भी नहीं रहने वाली। इस बार तो कांग्रेस एक तरफ जीत के जा रही है हर जगह से, और ये गठबंधन हुआ है, गठबंधन जीत के जाएगा। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी सत्ता में आए और प्रधानमंत्री बने, हमारे सब चाहते हैं राहुल गांधी सत्ता में आए और प्रधानमंत्री बने, हम भी कह रहे हैं बेरोजगार है, रोजगार मिलेगा हमें भी, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ये हमारी सोच है। यहाँ सीधा सीधा कहा है गया है कि अब कैंडिडेट का चुनाव नहीं है, कांग्रेस का चुनाव है, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से प्रियंका गांधी जी के लोग आए हैं, उनसे और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप भी यहाँ पर आए हैं, 2024 का चुनाव कैसे देख रहे हैं, क्या कांग्रेस जीत जाएगी? भाजपा कह रही है कि मैं जीतूंगी और उमेश कुमार कह रहे हैं कि मैं इस बार जीतकर। यहाँ तो सिर्फ कांग्रेस ही जीतनी है, उमेश कुमार तो ये भाजपा का जो है पिट्टू है, वोट काटने के लिए इसको लगा रखा है उन्होंने साथ में, समझिए। यहाँ कांग्रेस ने पहले भी जब कांग्रेस रही तो काम किए हैं और आगे भी आएगी तो कांग्रेस ही काम करेगी, भाजपा का यहाँ कोई, ये तो छल कपट से जो कुछ करते हैं तो जीत अपने काम नहीं किए, ये जो जितने काम भाजपा का कोई काम गिना दो, 10 साल में कोई भी काम नहीं है यहाँ पे, ये जितने पुल और सड़कें बनी हुई है ये सब कांग्रेस के ही प्रोजेक्ट है, लेकिन उनकी आगे कोई सरकार नहीं रही तो वो करने का मौका ही नहीं मिल गया, ये सब कांग्रेस की ही देन है। इतने बड़े सिडकुल और ये BHL ये सब कांग्रेस ने तो दे रखे, और ये कहते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, ये जो जिस स्कूलों में जिन यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं ये लोग, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कांग्रेस की तो दी हुई है, जिनमें नौकरी कर रहे हैं जिन सिडकुल में वगैरह, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की नीतियां सबके साथ थी, मतलब सारे सब समाज के साथ लिए जो है कांग्रेस की नीतियां, भाजपा की नहीं है। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। कैसा माहौल देख रहे हैं 2024 को लेकर, क्योंकि दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं आदर पार्टी द्वारा, कहा जा रहा है कि 5 लाख से जीत रहे हैं, उमेश कुमार में जीत रहा है, बसपा कह रही है हम नहीं गए, क्योंकि आज मायावती जी जा रहे हैं। देखिए फिलहाल जो है, फिलहाल कांग्रेस की लहर है हमारे हरिद्वार जिले में, और जो है हमारे यहाँ पे 6-7 विधायक हैं, हमारी विधानसभा ज्यादा जीती है, तो हमें ये है कि हम जीत रहे हैं 4 लाख से 3 लाख से, और आज का जन सैलाब देख रहे हो आप, अब तक जो है पूरा पिंडाल भर चुका है और बाहर भी जाम लग रहा है, ठीक है। तो आज जो है आज पता लगेगा कि हमारे कितना जोर है, आज अब कांग्रेस पार्टी जीतेगी जी, ये इसलिए जीत रही है, काम ठीक करो जी इनके, वो जो बहुत से विचार हो जी, कांग्रेस काम काम ज्यादा करो जी, ना जी कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र पवार जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी यहाँ पर पहुंच रही हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या माहौल देखने को मिल रहा है और 2024 में क्या रहने वाला है, क्या वीरेंद्र रावत अब की बार जीत जाएंगे, अब की बार नया पार हो जाएगी, या फिर पिछली बार की तरह भाजपा यहाँ से बाजी मार जाएगी? उमेश कुमार कह रहे हैं कि मेरा हेलीकॉप्टर चल रहा है और इस बार मैं ही जीत जाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो गया, उन्होंने कहा। देखिए सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में स्थापित हो चुका है, और ये जो आप उमेश कुमार की बात कर रहे हैं वो चुनाव में धरातल पे कहीं नहीं है, वो आसमान में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से घूमते रहे, उसे कोई रोक नहीं सकता। चुनाव निश्चित और बिल्कुल तय है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, और कांग्रेस इस चुनाव को जीतने जा रही है। आज हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी हमारे बीच पहुंच रही है, और आप देख सकते हैं किस तरीके का आज माहौल, एक हुजूम यहां पर उमड़ रहा है, अभी उनके आने में समय है, और लगातार आप देख रहे हैं कि लोग आए जा रहे हैं, लोगों में बहुत प्यार और स्नेह देखने को मिल रहा है प्रियंका गांधी के लिए, और इस बार निश्चित हरिद्वार 2009 को रिपीट करने जा रहा है। इस बार जैसे क्या इस बार जनता बदलाव चाहती है, जैसे भाजपा का नारा है कि 400 पार अब की बार 400 पार, आप कह रहे हैं कि जनता बदलाव चाहती है, तो 400 पार और बदलाव में क्या अंतर? देखिए 400 पार
ये जो इस तरह के जुमले और इस तरह के जो नारे भाजपा देने का काम करती है, जनता ये सोच रही है इस बार कि ये अपने आप जब अपने घर में बैठ के 400 पार कर रहे हैं तो फिर ना वोट मांगने की जरूरत नहीं है। और ये बात 4 जून को आपको देखने को मिले, जनता सबक सिखाने का मूड बना चुकी है और निश्चित इस बार भाजपा को 400 पार तो बहुत बड़ी बात है, इस बार वो 200 पार भी नहीं होने जा रहा। हॉट सीट कही जाती है, क्या इसे कांग्रेस जीत पाएगी? पहले सुना था कि यहाँ से प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती है। देखिए, हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड का द्वार है और माँ गंगा का सबसे बड़ा आशीर्वाद हरिद्वार को मिला हुआ है। हरिद्वार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है और ये बात आप मानकर चलिए कि प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आना चाहती थी या नहीं आना चाहती वो एक अलग बात है, लेकिन उनका प्यार हरिद्वार के साथ लगातार बना हुआ है और उस प्यार को वो दिखाने आज लोगों से वोट मांगने के लिए आई है। तो कह रहे हैं कि हरीश रावत खुद लड़ लेते, जो उनका बेटा लड़ रहा है तो उससे थोड़ा फर्क पड़ा है सर। देखिए, अगली पीढ़ी को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सतत चलती है और आप ये मानकर चलिए कि वीरेंद्र रावत जो हमारे प्रत्याशी में युवा है और उनका कहीं ना कहीं प्रभाव युवाओं में देखने को निश्चित मिलेगा। भाई, कांग्रेस जीत रही है अब की बार, सरकारी कांग्रेस की आ रही है अब की बार, वो तो खत्म हो गया। मायावती कह रही मैं लेकर जाऊंगी, सब लड़ते रहेंगे ना। कुछ नहीं, खत्म होली मायावती भी खत्म होली जा रखी मुझे पनगर से। कुछ नहीं, वो तो एक फ्रॉडिंग आवाज फ्रॉडिंग है, फ्रॉडिंग वो तो ला गया फ्रॉडिंग में ला गया। जी, सुल्तानपुर से है। कांग्रेस की वोट कितनी पड़ने वाली है? वहाँ से 14,000 वोट है तो 13,000 कांग्रेस की है वहाँ पे।